हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंटरटेनमेंट चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड लॉ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ स्टूडेंट है उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस एज पर द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016। तो 2016 का ये जो अधिनियम है, चाइल्ड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016, तो इसके अंदर क्या क्या पेनल्टीज दिए गए हैं अगर कोई चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंस अगर कोई होता है। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं अभी, ठीक है। द एक्ट हैज़ कम्प्लीटली बैंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इन ऑल ऑक्यूपेशन एंड एंटरप्राइजेस। मतलब ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, ये कम्प्लीटली बैन करता है किसी भी बच्चे की एम्प्लॉयमेंट को लेके। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन, कोई भी ऑक्यूपेशन या एंटरप्राइज के लिए कोई भी एक बच्चा को एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकता है। मतलब एक बच्चा जिसका उम्र 14 साल से कम है तो उसको कोई भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखा जा सकता। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि एक्सेप्ट दोज रन बाय हीज़ और हर ओन फैमिली। अगर वो जो बच्चा है, उस बच्चे की फैमिली के द्वारा चलाया जाने वाला जो भी ऑक्यूपेशन या एंटरप्राइज है, तो उस पर वो काम कर सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि प्रोवाइडेड दैट द एडुकेशन डज नॉट हैम्पर्ड। मतलब जो बच्चा है, जो ये अपने फैमिली बिजनेस में हाथ बटा रहा है, तो उसका एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि उसका एडुकेशन किसी भी तरह से हैम्पर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी 14 साल के साल से कम उम्र का कोई भी बच्चे को कोई भी एंटरप्राइज या किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन में काम में नहीं रखा जा सकता, ये कम्प्लीटली बैन है। इसके साथ अगर कोई बच्चा है, उसका फैमिली कोई बिजनेस है, तो उसमें वो हाथ बटा सकता है, लेकिन अपना एडुकेशन को हैम्पर नहीं करते हुए, ठीक है। मतलब एडुकेशन आपका बरकरार रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पैरा। इन एडिशन टू दिस, ए न्यू कैटेगरी ऑफ पर्सन कॉल्ड एडोलेसेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड बार देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हैजर्डस ऑक्यूपेशन। तो इस अधिनियम के तहत यहाँ पे एडोलेसेंट जो वर्ड है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। एडोलेसेंट का मतलब है चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 14 to 18 ईयर्स। तो 14 to 18 ईयर्स के बीच में जो भी बच्चा है, इसको एडोलेसेंट के ग्रुप में, कैटेगरी में लाया गया है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एंड बार देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हैजर्डस ऑक्यूपेशन। हैजर्डस ऑक्यूपेशन अब क्या है? तो हैजर्डस ऑक्यूपेशन ये है, मान लो कि कोई फैक्ट्री है जिसमें बड़ा बड़ा कोई मशीन चलता है, वहाँ पे ये इस तरह के बच्चे को 14 से 18 साल के बीच में जो बच्चा है, जो एडोलेसेंट माना जाता है, तो उसको काम में नहीं लिया जा सकता। हैज़र्डस ऑक्यूपेशन में उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो अब देख लेते ऑफेंसेस क्या क्या है। द एक्ट ऑफ इन्वॉल्विंग एडोलेसेंट चाइल्ड एज लेबर इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। किसी भी एडोलेसेंट बच्चे को काम में रखना एज ए लेबर, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, अगर 14 साल से कम उम्र के कोई बच्चे को काम में रखा जाता है, देन दैट विल लीड टू जेल फॉर द टर्म ऑफ 3 months to 2 years। मतलब 3 महीने से लेकर 2 साल तक जो है सज़ा का प्रावधान दिया गया है एज पर दिस एक्ट, ओके। और ए पेनल्टी बिटवीन 20,000 to 50,000 और बोथ। मतलब अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन 14 साल से कम उम्र के कोई भी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट में रखता है, ठीक है, देन उसका जेल हो सकता है 3 महीने से लेकर 2 साल तक, और इसके साथ पेनल्टी भी लग सकती है उसका 20,000 से लेकर 50,000 तक, और दोनों ही हो सकता है। और यहाँ पे और भी एक चीज़ दिया गया है रिपीटेड ऑफेंडर्स के लिए। अगर ये ऑफेंस दोबारा वो करता है, मतलब एक बार पनिशमेंट या फाइन लेने के बाद फिर से वो काम दोहराता है, तो क्या होगा? तो रिपीटेड ऑफेंडर्स के लिए दिस विल बी सब्जेक्ट टू इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 year to 3 years, ओके। तो उन लोगों के लिए 1 साल से 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है रिपीटेड ऑफेंडर्स के लिए। कोई भी ये जो पेनल्टी का प्रावधान है वो नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट होगा अगर वो रिपीटेड ऑफेंडर्स है तो। और अगर बात आता है पेरेंट्स की, तो इफ़ द ऑफेंडर्स इज पेरेंट, अगर कोई भी उसका माँ या पिता जो है, वो अगर खुद इन्वॉल्व है इस काम में कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम में लगाना विदाउट डूइंग देयर एडुकेशन,
हैम्परिंग देयर एजुकेशन, तो उन लोगों के लिए पहले जो पहले एक बार वार्निंग दिया जाएगा, उसके बाद जो प्रोविजन है वो 10,000 रुपीज़ का फाइन उन लोग को चलेगा, ठीक है। मतलब पेरेंट्स के लिए कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, हालांकि उन लोगों के लिए फाइन है 10,000 रुपीज़ का, ठीक है, फॉर रिपीटेड ऑफेंस बाई पेरेंट, अगर दूसरा बार वो लोग ऐसा काम करते हैं तो। फाइनली दिस एक्ट प्रोटेक्ट ऑल द एडोलेसेंट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग वर्कड एज ए लेबर। तो ये जो अधिनियम है, ये जो कानून है, तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये जो बच्चा है 14 साल से 18 साल के बीच में जो बच्चा है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है टू नॉट बीइंग वर्कड एज ए लेबर एंड सेफ गार्ड देम थ्रू पेनल्टीज एंड इम्प्रिजनमेंट, और उन लोगों को बचाता है ऐसे कामों में इन्वॉल्व होने से, ठीक है। तो ये था ये क्वेश्चन का आंसर। तो एक बार ओवरव्यू दे देते हैं आपको कि ये पेनल्टीज और ऑफेंसेस रिलेटेड टू चाइल्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, पेनल्टी क्या क्या है, मतलब पहले यहाँ पे बता दिया जाता है कि 14 साल से कम उम्र के कोई भी बच्चे को ऑक्यूपेशन किसी भी एंटरप्राइज या कहीं पर भी उसको लेना बैन है कम्प्लीटली, ठीक है। अगर फैमिली इन्वॉल्व करता है तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे उसका एडुकेशनल जो काम है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए, ये पहला शर्त है। और दूसरी पैरा में ये बोलता है कि एडोलेसेंट वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है, एडोलेसेंट का मतलब है 14 साल से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उसको एडोलेसेंट बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है, अगर कोई भी पर्सन एडोलेसेंट बच्चे को लेबर के रूप में काम में लगाता है तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और इसके लिए उसका जेल हो सकता है 3 महीने से लेकर 2 साल तक, और पेनल्टी हो सकता है 20,000 से लेकर 50,000 तक। अगर रिपीटेड ऑफेंडर्स है तो उन लोगों के लिए सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स तक। तो ये था कंप्लीट वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड मेक समवन हैप्पी एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।